वो क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं लेकिन गुजरात में चुनाव प्रचार करते हैं, वो क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं लेकिन त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करते हैं, वो क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। और जिन भी जगहों पर वो चुनाव प्रचार करते हैं बीजेपी उनमें से ज़्यादातर सीटें जीत जाती है। अब बारी है कर्नाटक की। वो अपनी क्लिष्ट हिंदी में कर्नाटक में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उनको सुन कौन रहा है, क्या कन्नड़ भाषी यह क्लिष्ट हिंदी समझ पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं खबरीलाल जनार्दन और मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कर्नाटक की 2 दिन में 35 जनसभाओं की। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के ऐन पहले कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, उसने लिंगायतों के अलग धर्म के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसका प्रभाव हाल फिलहाल चुनाव प्रचार के दौरान खूब देखने को मिल रहा है। इसकी भरपाई अमित शाह के मठ मठ घूमने से या फिर नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों, दिन भर में 3 रैलियां करने से भी नहीं होते दिख रही है। इसके काट के लिए इसी बात की काट के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सीएम योगी को बुलाया है। पर सीएम योगी किस तरह से काट हैं, वे किस तरह से लिंगायतों के कांग्रेस के पक्ष में जाने के बाद भी बीजेपी के पक्ष में लोगों को ला सकते हैं, वो कौन सा काट है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। कर्नाटक में नाथ संप्रदाय एक प्रभावशाली संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के 72 से ज्यादा मठ और मंदिर हैं और नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ गोरक्ष पीठ है, जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के मंदिर और मठों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा, इसके अध्यक्ष भी योगी आदित्यनाथ हैं। नाथ संप्रदाय कादली योगेश्वर मठ की मान्यता वैसी ही है जैसी यूपी में गोरखनाथ मठ की। यहाँ की मान्यता है कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ विष्णु और मंगला देवी लक्ष्मी की अवतार हैं। मंगला देवी के नाम पर ही उस जगह का नाम मैंगलोर पड़ा। इस मठ के अनुयायी आस पड़ोस के करीब 13 जिलों की 100 सीटों पर फैले हुए हैं और 3 खास सीटों पर इनका प्रभुत्व है। और खास बात यह है कि इस संप्रदाय पर सीधी सीधी योगी आदित्यनाथ की पकड़ है। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जिनको बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले भेजा था, लेकिन वहां पहुंचते ही सीएम सिद्धरमैया से उनकी दो दो हाथ हो गई। सीएम सिद्धरमैया ने उनसे कहा कि स्वागत है आपका हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश को देखिए, हमारे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत नहीं होती। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें उनके सरकार के बारे में कई सारी जानकारियां बताई थी। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही सीएम सिद्धरमैया अलर्ट हो गए। उन्होंने ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से 73 लोगों की मौत की याद दिला दी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपना एक दिन का टूर कम करके यूपी वापस लौट रहे हैं। योगी ने दूसरी पारी के पहले दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार करते हुए लोगों से कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति और जिहादी मानसिकता को खारिज करने के लिए कहा। उन्होंने यहां एक रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर समाज को बांटने वाली और भ्रष्ट राजनीति करने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने कहा, मैं आपसे यहां यह आह्वान करने आया हूं कि कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति, जिहादी मानसिकता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की मदद करने वाली नीतियों को पूरी तरह से खारिज कर दें। उन्होंने सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में पिछले 5 सालों में 23 भाजपा कार्यकर्ताओं की जिहादी हत्याएं कांग्रेस पार्टी की कथित विभाजनकारी राजनीति का सबूत है। उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक में कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों पर लगाम लगाने के लिए आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपनी यह यात्रा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ रहा है। हालांकि उनके कर्नाटक जाने से नाथ संप्रदाय के बारे में बातचीत शुरू हो गई है, जिसकी बातचीत अभी मुख्य धारा की मीडिया में नहीं हो रही थी। इसी तरह से गुजरात के युवा नेता जिग्नेश मेवानी और प्रकाश राज की सभाओं के बारे में भी अभी मुख्य धारा की मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। साथ ही नोहेरा शेख की पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट पार्टी की भी ज़्यादा चर्चाएँ नहीं हो रही हैं, वो भी प्रमुख रोल अदा कर सकती हैं। इन खबरों की तह तक हम जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए लोकमत न्यूज़ हिंदी पर।